बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब है यूसुफ खान, इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वरदान नाम रखना कैसा है और इसके माना क्या है? बाज़ लोग कहते हैं कि ये नाम भारी है, बच्चे पर इसका असर है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, वरदान जो लफ्ज़ आपने पूछा है, वरदान ये कई सहाबी कराम का नाम गुजरा है। इस एतबार से चूँकि सहाबी का नाम है और सहाबी का नाम हमें बग़ैर किसी तरद्दुद के रख लेना चाहिए, और जो कहते हैं कि ये नाम भारी है, नाम भारी वारी कुछ नहीं होता, सहाबी का नाम है, सहाबी के नाम की नस्बत ही हमारे लिए काफ़ी होती है। और वरदान जो लफ्ज़ है ये वर्दुन का तस्निया है, और वर्दुन का जो लफ्ज़ है, वर्द इसके माना आते हैं, एक तो सैराबी के इसके माना आते हैं, एक माना आते हैं गुलाब के। तो वरदान के माना आएंगे सैराबी करना और इस तरीके से गुलाब, और वरदान एक वादी का नाम भी गुजरा है। तो वरदान नाम बगैर किसी तरद्दुद के हम रख सकते हैं, माना और नस्बत दोनों एतबार से ये वरदान नाम बहुत बेहतर है, बड़े खूबसूरत नाम है, इसलिए ये नाम बगैर किसी तरद्दुद के हम रख सकते हैं। सहाबी के नाम में पहले तो हमको माना भी नहीं देखने चाहिए, और अगर माना जान भी ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, तो माना भी इसके अच्छे हैं और नस्बत भी अच्छी है, तो ये नाम वरदान हम रख सकते हैं। फ़कत वल्लाहु आलम।